चोरों और डाकुओं के साथ मुजाहमत नहीं करनी चाहिए। वो जो कुछ भी मांगे उन्हें चुपचाप दे देना चाहिए, इसलिए कि इंसानी जान से ज्यादा कोई भी चीज नहीं होती। पुलिस भी यही बात कहती है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही कुछ किया जाता है, लेकिन ऐसा इस उम्मीद पर किया जाता है कि मुस्तकबिल में पुलिस की तफ्तीश के बाद मुलजिम पकड़े जाएंगे और लूटा हुआ सामान भी आसानी के साथ वापस मिल जाएगा। मगर हमारे मुल्क में ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि सीसीटीवी के फुटेज में मुलजिमान का चेहरा साफ नज़र आने के बाद ना तो वो बरसों गिरफ्तार होते हैं और ना ही उन्हें अपने जराइम की सज़ा मिलती है। बेवस शहरी डाकुओं के सामने इसलिए मुजाहमत करते हुए अपनी जान से चले जाते हैं कि उन्हें ना तो मुलजिमान की गिरफ्तारी का यकीन होता है और ना ही इस बात का एतबार कि उनकी लूटी हुई रकम उन्हें वापस मिल जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी की तरह स्ट्रीट क्राइम्स में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। डाकू चंद ही मिनटों में न सिर्फ जमा पूंजी लूटकर फरार हो जाते हैं बल्कि मामूली मुजाहमत पर गोली चलाने से भी दरेक नहीं करते। उनकी बला से कोई मरे या जिए, उन्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि ज्यादा पैसे उनके हाथ लगें और वो कानून की गिरफ्त से बचे रहें। वो गोली चलाते हुए ये नहीं सोचते कि जिस पर गोली चलाई जा रही है उसके घर कितने अफराद उसके सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। अगर कमाने वाला चला जाए तो बाकी घराने पर किस तरह मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं इसका अंदाजा लगाना भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। मगर जराइम पेशा अफराद ये बात बिल्कुल नहीं सोचते कि वो एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाएंगे। लाहौर में एक तालिबे इल्म को मौत के घाट उतारने वाला डाकू पकड़ा गया। आइए हम आपको बताते हैं ये खौफनाक वाकया कैसे पेश आया था और पुलिस को डाकुओं का सुराग कैसे मिला। सिविल लाइंस के इलाके में चांदमा कबल एक डाकू ने घर को जाते हुए सीएसएस के तालिबे इल्म मुदस्सर इकबाल से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया और मुजाहमतपुर से फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी और मोबाइल फोन ट्रेस करते हुए बिलाखर मुलजम जोशवा को गिरफ्तार कर ही लिया। मुलजम से मोबाइल फोन, नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। मुलजम काफी अरसे से डकैती की वारदातें कर रहा था। एक डकैती और कत्ल का केस था जिसमें मुलजम जोशवा उर्फ जोशी, जिसने एक स्टूडेंट मुदस्सर इकबाल जो सीएसएस की तैयारी कर रहा था उसको मर्डर किया था और रॉबरी की थी, उनको अरेस्ट किया है। इनकी अरेस्ट के बाद हम इनकी जो इन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए हम सिफारिश भी करेंगे हाईएस्ट लेवल पे कि इनको इनाम दिए जाएंगे। गैंग ने तकरीबन पिछले कुछ अरसे में यू वुड नॉट बिलीव के 500-700 से बाद उनको याद भी नहीं है कितनी वारदातें, और जिस दिन उन्होंने ये लड़के को बेचारे इस बच्चे को मर्डर किया है बेदर्दी से, उस वारदात करने के बाद डेस्परेशन का अंदाज़ा लगाएं कि इस वारदात को करने के बाद भी उन्होंने 6 वारदातें की, एक बंदे को मारने के बाद भी जाते हुए 6 वारदातें की उन्होंने। तो दिस इज द लेवल मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। नौजवान तालिबे इल्म को कत्ल करने वाले डाकू को गिरफ्तार किया गया तो उसका क्या कहना था, उसने गोली क्यों चलाई थी और वो डकैती की वारदातें क्यों करता था, आइए जानते। मुलजम जोशवा का कहना है कि वो काफी अरसे से डकैती की वारदातें कर रहा है। वो नशे का आदी है और मनशियात खरीदने के लिए डकैती की वारदातें करता है। वो मुदस्सर इकबाल से रकम छीनकर फरार हो रहा था, उसने टॉकअप करने की कोशिश की तो उसे मार डाला। 8-9 माह से ये वारदात कर रहे सर, और जो सर वो वाक्य रोड पे सर उन लड़कों से हमने मोबाइल पर्स ले लिया, मोबाइल पर्स लेकर सर हम चले गए थे आगे, वो बाद में हमारे पीछे आए वापस मोबाइल पर्स मांगने। सर वापस जब हमारे मोबाइल पर्स मांगने आए सर फिर मैंने उसके दरमियान फायर किया, पहले जी सर उस दरमियान मैंने फायर किया सर, ये चर्च वगैरह भी थे शराब वगैरह, इसलिए बस सर इस बार तो में शुरू हुए थे। डाकुओं की दीदा दलेरी तो इस हद तक बढ़ गई है कि वो पुलिस से बेखौफ होकर वारदातें करते हैं। चंदा कबल सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस के सामने 1.5 करोड़ रुपए लूटने वाला मुलजिम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिछले साल नवंबर में डाकुओं के ग्रोह ने सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस के सामने कार सवार अफराद से गन पॉइंट पर 1.5 करोड़ रुपए छीन लिए थे। डाकुओं ने मजामत पर फायरिंग भी की थी। इस ग्रोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्रिमिनल रिकॉर्ड की मदद से मुलजमान का सुराग लगाकर मरकजी मुलजम कुर्बान को गिरफ्तार करके उससे 20 लाख रुपए और नाजायज असला बरामद कर लिया, जबकि उसका साथी बिरूने मुल्क मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। सीसीपी ऑफिस के सामने एक मेन वारदात हुई थी, शायद आप लोगों को याद हो, उसमें इन्होंने
एक मेन मरकजी मुलजम जो है वो गिरफ्तार किया है, और कुर्बान नाम है उसका, कुर्बान उर्फ बाना, और इसमें वारदात में तकरीबन 1,56,00,000 और 40,000 रुपया गन पॉइंट पर छीने थे। बहुत ही टेक्निकली डिफ़िकल्ट केस था, लेकिन बहरहाल इन्होंने वो बंदे तक पहुंच गए, उसको अरेस्ट भी कर लिया है। उसमें एक ये है, दूसरा इसका साथी जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, वो व्हाट्सएप पे रबते में है, दूसरा साथी पकड़ लिया। ये विदाउट इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने बैंक से बैंक से उसको एयरमार्क किया और उसके पीछे फिर जाके उन्होंने वारदात की, और उन्होंने जो है कोई ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास यानी उसके पास नहीं थी। बिल्कुल भी पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स के जिनको बोतल में बंद करने के लिए एक नया सिस्टम बना रही है, जिसकी मदद से जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। जराइम के खात्मे के लिए मजीद क्या इकदामात किए जा रहे हैं, आइए जान। पुलिस हुकाम का कहना है कि CAA की टीम ने डकैती की वारदातें करने वाले एक और ग्रोह के अरकान को भी गिरफ्तार करके मसरूका माल और असलाह बरामद किया है, जबकि पुलिस ने एक ऐसे ग्रोह को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि चोरी और डकैती में छीने गए मोबाइल फोन के EMI नंबर ही तब्दील कर देते थे। इसके अलावा हमने CIA ने हमारी मेन जो नकब जनी की मुसलसल वारदातें होती थी उसका मेन गैंग अरेस्ट किया, जिन्होंने अभी तक 14 वारदातों का इंकशाफ किया है सदर के इलाके में, CIA सदर डिवीजन में। एक गैंग ऐसा भी ट्रेस किया है जिसमें मोबाइल फ़ोन की IMEI नंबर जो होता है उसको चेंज करते थे, वो हमने मेन लोग पकड़े हैं, क्योंकि वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मोबाइल जो है चोरी का या डकैती का उसका जब नंबर चेंज हो जाता है तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल हो जाता है। तो हमने उस गैंग को भी अरेस्ट कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, इस सेंस में कि ये फिर जब ये नंबर चेंज नहीं होंगे तो जाहिर है इसमें कभी डिस्करेज होता है फिर बंदा जिसने मोबाइल स्नैच करना हो। पुलिस काम का कहना है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें हर वारदात के वाइफ फीड किए जाएंगे, जिसकी मदद से ज्यादा वारदातों वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी, और मसरूका मोबाइल फोन भी अगर किसी और के इस्तेमाल में आया तो उसका इलम हो जाएगा। और इस हवाले से मौके आने से मैं आपको बताऊंगा, हम एक कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कोई एक अच्छी एक सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें हम पूरा डेटाबेस रखेंगे और ये चेक हो जाया करेगा मोबाइल फ़ोन के अगर कोई किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है तो उसका बैक हैंड पे हमें पता चलना शुरू हो जाए कि अगर कहीं वो कोई बेचने जाएगा या इस किस्म की, इसका एक सिस्टम हम बना रहे हैं, वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह एक दो हफ्तों में बताऊँगा उसके मुतालिक। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले तमाम मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं, जबकि मुलजमान के खिलाफ जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद के लिए किसी पर गोली चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसा वो असल पिस्तौल के बजाय खिलौना पिस्तौल चला रहे हों, मगर लोगों को लूटने के बाद उनकी जान लेने वाले ये बात भूल जाते हैं कि एक शख्स की जिंदगी के साथ कई जिंदगियों का मुस्तकबिल जुड़ा होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे, तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। नौसरबाजी का सहारा लेकर सादा लो शहरियों को लूटने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मौजूदा दौर में भी ना तो नौसरबाजों की कमी है और ना ही ऐसे सादा लोग खत्म हुए हैं जो दूसरों की कही गई हर बात पर आग बंद करके एतबार कर लेते हैं। नौसरबाजी का सहारा लेकर जिनको लूटा होता है उनके सामने लफ्जों का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि बाज़ अफराद सब ख्वाब देखते हुए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कुछ ऐसे जराइम पेशा भी हर शहर में मौजूद हैं जो मिनटों में धोखेबाजी का खेल खेलते हैं और कामयाबी के बाद चले जाते हैं। हाफजाबाद में एक अरसे से ऐसा गिरोह मुतहरिक था जो कीमती गाड़ियों में बैठ कर आता, दुकानदारों को जाली नोट थमा कर खरीदारी करता और फरार हो जाता। पुलिस के पास इस गिरोह की शिकायत के अंबार लग चुके थे, जिसके बाद बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया।
आइए देखते हैं कि जाली नोट कहां से लाए जाते थे और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता। जाली करेंसी का इस्तेमाल बजाहिर नौसरबाजों का छोटा सा फ्रॉड लगता है, लेकिन जाली करेंसी मुल्की मईशत को बुरी तरह नुकसान देती है। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो जाली करेंसी बनाने वालों या उनको इस्तेमाल करने वालों की भी निशानदेही करें, ताकि लोगों को लुटने से बचाने के साथ साथ मुल्क का भी भला हो सके। जाली करेंसी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और ये बींग पाकिस्तानी या बींग पुलिस ऑफिसर हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम मुल्क के कोई भी जिस चीज़ में नुकसान होता है उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसमें जो अपना हिस्सा है वो अदा करने की कोशिश करें, ताकि करेंसी के हवाले से जो फ्रॉड हैं वो चीज़ें भी कम हों और जो मेन जो इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं जो हमारे मुल्क को इकॉनमी को जाली करेंसी के जरिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से जो आम शहरियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके और उनको अरेस्ट किया जा सके और इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके कि ये जाली करेंसी जो प्रिंट हो रही है जहाँ से आ रही है जो मेन सोर्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। हाफिजाबाद पुलिस ने 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद जमील बजायर खराद का काम करता है, जबकि मोहम्मद नसीर पुलिस के महकमे से एक कत्ल के मुकदमे की वजह से डिसमिस हुआ था, जिन्होंने बाकायदा गिरोह बनाया और जाली करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनमें से एक बंदा जो है वो खराद का काम करता है, मोहम्मद जमील जिसका नाम है, उसके बाद जो मोहम्मद नसीर है अहमद वल्द बशीर अहमद वो पुलिस डिपार्टमेंट से डिसमिस है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सियालकोट में 302 का। उसके बाद ये फिर इन माल प्रैक्टिसेस में एक ग्रोह बना के ये इन प्रैक्टिसेस में इंगेज हो गए कि जेली करेंसी का ये लोगों से जो है वो उन्होंने काम शुरू कर दिया जेली करेंसी का। गिरफ्तार होने वाले 5 मुलजमान ने एक जगह से खरीदारी की, मगर बकाया रकम लेकर वहां से निकले तो दुकानदारों को जाली नोटों का इल्म हो गया, जिसके बाद 15 पर कॉल कर दी गई। पुलिस को 15 के जरिए इत्तला मिली थी कि कुछ लोगों ने दुकान पर जाली नोट इस्तेमाल किए हैं और खरीदारी करके दुकानदार को जाली नोट थमा दिए, फिर ये लोग गाड़ी में फरार हो गए। नाके पर मौजूद पुलिस ने गाड़ी को रोककर इस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। सुखे की और पिंडी भटिया के इलाके में हमें कुछ कंप्लेंट्स थी काफी अरसे से कि जाली नोट या नौसरबाजी या चीटिंग के हवाले से दुकानदारों के साथ किया जाता था, इस पर पुलिस काफी एक्टिवली इस केस इशू को परसू कर रही थी। तो जैसे ही पुलिस को इतला मिली कि इस तरह से कुछ लोगों ने सुखेकी के एरिया में दुकानों पे जाली नोट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो पुलिस सुखेकी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 30 एक एक हज़ार के जो हज़ार रुपये के 30 नोट हैं वो भी बरामद हुए। हमने नाका लगाया हुआ था, जब मुझे ये इतला मिली उस पर फिर मैंने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की, जो हमें इतला मिली कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, ये गाड़ी पर मौजूद थे, इस गाड़ी को फिर राउंड अप किया गया, इसकी फिर मैंने जरिया खुद कांस्टेबल आन से मिल के तलाशी ली, जिसमें से ये मुलजमान जिनके पास जाली करेंसी थी वो बरामद। ये ग्रोह जाली नोट इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मार्केटों का इंतखाब करता था और बड़ी गाड़ी किराए पर लेने के बाद अच्छे कपड़ों में मलबूस होकर मार्केट से थोड़ी सी रकम के एवज अशिया लेकर नोटों का इस्तेमाल करता था। और इनका तरीका वारदात ये था कि अपने आप को ये मालदार शो करके दुकानों पर जाके अपने ये नोट इस्तेमाल करते थे और लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। मार्केट में आके एक अच्छी गाड़ी आकर रुकती है, नए मॉडल की, वेल ड्रेस बंदा निकलता है, वो आके 150-100 रुपये की चीज़ लेता है। अब 150 रुपये की चीज़ ली, वो चीज़ भी इनको मिल गई, साथ में 850 बकाया आ गया, जो उसने शॉपकीपर ने ऑब्वियसली उसने एक्चुअल करेंसी में देना है। अब 850 करेंसी आ गई और 150 की चीज़ आ गई, यानी 1000 रुपया इनका जो है वो कन्वर्ट हो गया, फेक करेंसी से एक्चुअल करेंसी में कन्वर्ट हो गया। ये गिरोह हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, सरगोधा और गिरदोनवा में वारदात करता था। मुलजमान के मुताबिक वो अच्छी क्वालिटी के 1 लाख के नोट 40,000 रुपए में खरीदते थे।
पकड़े जाने वाला ये ग्रोह हाफसाबाद, पिंडी भटिया, सरगोदा और गिरदोनवा के इलाकों में जाली नोटों से खरीदारी करता था। ये 1,000 का नोट सस्ते दामों खरीदता था और अच्छी क्वालिटी के 1,00,000 के नोट 40,000 में भी खरीद लेता था। जो फेक करेंसी है उसको एक्चुअल वाली करेंसी से कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये इनका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। उसमें ये करते ये है कि एक गाड़ी लेते हैं, अब गाड़ी रेंट पे लेते हैं, वेल ड्रेस हो के जाके किसी शॉप पे एक नोट 1,000 रुपये का इनको 250-300 रुपये की रेंज में मिल जाता है। और वो डिपेंड करता है कि अब किस तरह की क्वालिटी में लेते हैं। इस फेक करेंसी में भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी लेंगे उतना वो महंगा मिलेगा इनको। अब मैक्सिमम इनका जो हमने जो एनालाइज किया है, मैक्सिमम इनको मिलता है 350-400 रुपये का। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये सियालकोट और पिशावर से नोट लेकर आते थे, लेकिन पुलिस इस ग्रोह के साथ साथ उनकी भी तलाश में है जो जाली नोट बनाकर फरोख करते हैं। इस ग्रोह के अरकान ने इन नोटों से हासिल होने वाली रकम अपने कारोबार में लगाई थी। वो हमने सारा जब ट्रेस आउट किया तो इनकी तो मतलब वो जो लिविंग स्टाइल है और जो इनके वो शॉप्स है वो तो छोटी छोटी शॉप्स है, लेकिन एक्चुअली ये तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी हम इस पे ये कर रहे हैं कि ये जो सियालकोट वाला चैप्टर है, ये नो डाउट कि ये सारे लोग सियालकोट से लाते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस चीज़ की। लेकिन हम अब इन्वेस्टिगेशन का एक और एंगल है जो सामने आया है कि आखिर ये कहीं पर प्रिंट होती है, बनती है, और इंशाल्लाह हम इसकी रूट तक जाएंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे। सियालकोट में काम करता हूँ खराद मशीन का, पेशावर से जाता हूँ जी, 4-5 महीने हो गए हैं। मैं उधर से लाता हूँ, क्वालिटी हर किस्म की है, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का नोट उधर मिलता है। ठीक है जी, मैं उधर से 40 नोट लाया था। मैंने इसको दिए थे, क्या नाम है इसका, जमील को दिए थे। 2 दफ़ा ऐसी पकड़े भी गए, एक दफ़ा गुजराले, एक दफ़ा अभी। बिलाशुबा ये लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं। ये तो एक वारदात है जो सामने आई है, न जाने कितने ही ग्रोह बड़ी तादाद में ये काम कर रहे हैं और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके साथ साथ जाली नोट बनाने वालों को भी पकड़ना जरूरी है ताकि जाली नोटों की फैक्ट्रियां बंद की जाएं और इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। सादा दिल शहरियों को लूटने वाले चोर और डाकू तब तक ही कामयाबी के साथ वारदातें करते हैं जब तक पुलिस उनसे मुंह मोड़ कर आराम से बैठी रहे, लेकिन जब बात हद से बढ़ जाती है तो अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए वो कुछ जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है csatsama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रابطہ कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।